फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? हेलो, आज संडे है और आज हम ना फ्री हैं, तो आज हम लोग थोड़ा छत पे ऊपर धूप खाने आए हैं। बहुत ही बढ़िया धूप हो रही है ऊपर, और संडे की वजह से कुछ लोग अभी सोए पड़े हैं, अभी आलस में हैं। संडे देखते ही सबको आलस आ जाता है। हम लोग उठ गए हैं, हम लोग खाने आए। मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि मुझे पढ़ना है, मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, मेरा संडे बर्बाद हो गया। और आज हम लोगों का पकौड़े का प्रोग्राम है, हम लोग पकौड़े बनाएंगे। पकौड़े खाने से दिमाग तेज हो जाता है। और आज हम लोगों के यहाँ नीचे सफाई भी चल रही है। हम लोगों ने एक भैया जी को बुलाया है सफाई करने के लिए। वो नीचे की जो नाली के बगल में कचरा होता है उसे साफ़ करेंगे, क्योंकि इंडिया में लोगों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अपने कचरे निकाल के दूसरों के घर के आगे इकट्ठा कर देते हैं। तो इसलिए आज हम लोग उसकी सफाई करा रहे हैं। बाकी आप पूरा ब्लॉग देखते रहिए, संडे अभियान हम लोग के संग बने रहिए। और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा प्लीज, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। सब्सक्राइब करिएगा, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि आप लोग को हम लोग के वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। एक जरूरी बात और भी है कि पसंद ना आए तो भी सब्सक्राइब करिएगा। वो कंपलसरी है। और जो बहुत ही बड़ी वजह है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको हम लोग का चैनल क्यों सब्सक्राइब करना चाहिए, वो ये है क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, कोई इसमें आपको मेहनत नहीं लगनी। आप उसे बिल्कुल आराम से सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हैं वो भैया जी जिनको हम लोगों ने बुलाया है। तो यही सफाई कर रहे हैं क्योंकि नाली ऑलरेडी एक तो आपको बताइए गंदी हो जाती है, और ऊपर से उसमें भी हमारे महान लोग आके उसमें कचरा कचोड़ देते हैं। अब बिल्कुल मतलब अब ऐसे आपको अपना नाम तो बताता ही नहीं है कि हमने कराया कि तुमने कराया। और नाली तो उससे गंदी हो जाती है, तो उसकी सफाई भी हमें लोगों को करनी पड़ेगी। तो हम लोग कर रहे हैं। और आप बताइए आपके यहाँ क्या क्या होता है संडे को? हम लोग क्या, तो कुछ ना कुछ काम ही होता रहता है। हमारे समय ज़्यादा फ्री नहीं हूँ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मुझे अभी पढ़ना भी पड़ेगा। कल थोड़ा पढ़ लिया था, आज थोड़ा और पढ़ेंगे। अभी मम्मी के साथ थोड़ी देर ऊपर आए थे, इधर मम्मी इधर हैं। मम्मी मुझे वो धूप लग रही है। इनको धूप लग रही है, अरे भागी जा रही है। अब फ्रेंड्स, आप इनको बताइए कि ऊपर छत पे धूप खाने ही आते हैं हम। तो आज संडे है तो कुछ लोगों का आलस अभी भी नहीं उतरा है। देखिए ये ज़बरदस्ती सोए पड़े हैं, संडे का मज़ा ले रहे हैं, उठ ही नहीं रहे हैं। और शर्म के मारे इन्होंने मुंह उधर घुमा लिया है, ये और रजाई में छुप रहे हैं, लेकिन उठेंगे नहीं। देखिए फ्रेंड्स, आज मेरे गुड़ैल के पेड़ में फ्लावर्स भी कितने सारे निकले हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं ये देखिए। ये एक मैंने तोड़ भी लिया, और भी उगे हैं देखिए, कितने अच्छे हैं। संडे को ज़्यादा ही निकल आ गए आज। देखिए बहुत सुंदर लगता है ये पेड़, ये सबसे बढ़िया पेड़ है मेरे गार्डन का। रेड रेड फ्लावर्स बहुत सुंदर लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ आलू चॉप। ये मैंने बेसन घोल के रख लिया है, इस बेसन में मैंने नमक मिर्ची डाली है, और अभी मैं थोड़ी सी हरी मिर्ची और ये धनिया भी कट करके डालूंगी इसमें। और यार कुकर में आलू उबाल के रख लिए, थोड़े छील लिए हैं, अभी और छीलने जा रही हूँ, फिर जब पूरे बन जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊँगी।
ये फ्रेंड्स चटनी के लिए मैंने पीसा है, इससे चटनी बनाएंगे, हरे धनिया की चटनी, उसके साथ ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और ये कुछ मोटी वाली मिर्चा हरी हुई हैं, इनके अंदर भी आलू भर के बनाएंगे। गाइस मेरे पकौड़े बनके तैयार हो गए हैं आलू चॉप के, और इनको सॉस से खाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगेंगे।